ॐ गुरुभ्यो नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ रं रामाय नमः। ॐ मातेश्वरी नमो नमः। ॐ मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में। आचार्य संजय, कर्क राशि का ढैया चल रहा है और कर्क राशि के लिए 2024 जनवरी का महीना क्या लेके आ रहा है, कैसा रहेगा आपका तन मन धन जन गोपाल लक्ष्मी व्यवसाय शिक्षा, कैसा रहेगा कर्क राशि वालों के लिए ये 2024 जनवरी का महीना, इसके ऊपर विचार करें। उससे पूर्व ग्रह स्थिति को जान लेते हैं। सबसे पहला कर्क राशि का तृतीय स्थान में केतु, पंचम स्थान में शुक्र बुध, षष्ठा के छठा के ओर जाते हुए शुक्र बुध बकरी कंबस्ट होके फिर मार्गी होंगे। छठा स्थान में मंगल और सूर्य, सूर्य भगवान सप्तम की ओर जाते हुए, अष्टम स्थान में ढैया लगाते हुए शनि बाबा, नवम में राहु, दशम में गुरु बृहस्पति। कैसा रहने वाला है आपका स्वास्थ्य? ये जनवरी का महीना कर्क राशि के लिए, कर्क राशि के ऊपर दृष्टि, यहां राहु का पंचम दृष्टि और उसके बाद सूर्य का दृष्टि और मंगल का अष्टम दृष्टि, इधर ढैया। थोड़ा सा परेशानी भरा रह सकता है, थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में सर्दी ठंडा काशी जुकाम एसिडिटी, कहीं थोड़ा सा चोट लगने का भी संभावना दिखाई दे रहा है। लेकिन मिश्रित फल दिखाई देगा कर्क राशि के लिए। कर्क राशि का अगर धन का बारे में विचार करें तो धन का घर में शनि और गुरु बृहस्पति का दृष्टि और धनेश अपने से पंचम षष्ठ जाते हुए, तो धन का स्थिति औसतन स्थिति में रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई सारे क्षेत्र से धन प्राप्ति का भी योग कर्क राशि के लिए दिखाई दे रहा है और व्यवसाय में लाभ भी दिखाई दे रहा है। पारिवारिक शांति भी रहेगा परिवार के क्षेत्र में, धन वाणी परिवार का मालिक का परिस्थिति को देखते हुए, लेकिन कर्म क्षेत्र में थोड़ा बहुत अशांति और कई प्रकार मन उच्चाट रहना कर्क राशि के लिए दिखाई दे रहा है। कर्म क्षेत्र में अनावश्यक व्यस्तता और ज्यादा कुछ कर्म का लोड, जिसके कारण आप व्यस्त रहेंगे और अशांत बोध करेंगे। आय मध्यम रहने वाला है। चोर का भय है, द्रव्य नष्ट है, रक्तपात इत्यादि का संभावना है और छात्रों का पढ़ाई के क्षेत्र में शुभ फल का भी इस महीना दिखाई दे रहा है। बहुत ज्यादा बुरा कंडीशन नहीं है। कर्क राशि का पराक्रम केतु है, बड़ा पावर बढ़ाएगा, नेचुरल बात है। भूमि भवन वाहन माता सुख मन के ऊपर गुरु का दृष्टि है, बहुत मस्त है, चिंता का कोई विषय नहीं। पंचम स्थान प्रेम प्यार क्षेत्र है, मंगल दो तीन दिन में निकलने के बाद शुभ ग्रह शुक्र और बुध यहां पर राजति करेंगे। 18 को शुक्र निकल जाएंगे, बुध का बकरी मार्गी गोचर यहां पर, तो पंचम लाइफ का ढैया के समय इस प्रकार का गोचर जब हो तो लाइफ में प्रेम प्यार के मामले सावधान रहना चाहिए। जीवन में कोई ना कोई नया व्यक्ति और नया मोड़ आ सकता है। दाम्पत्य जीवन का बात करें, सूर्य आएंगे, थोड़ा सा झगड़ा बढ़ा सकते हैं।
परेशानी बिल्डअप होगा और इसके द्वादश में भी मंगल रहेंगे। छठा का मंगल तो अच्छा कहा गया, भूमि भवन वाहन का प्राप्ति भी है, चतुर्स्थान में भी भूमि भवन वाहन के ऊपर गुरु का दृष्टि है, कंपटीशन में सफलता है, नौकरी क्षेत्र में सफलता है, नौकरी के घर में गुरु बृहस्पति और बढ़िया है। लेकिन अष्टम का शनि हर कार्य में बाधा देने देता है, ढैया है, तो ये एक चैलेंज तो है ही, कई सारे रोग, कर्म में बाधा, असफलता, मानसिक तनाव और अनावश्यक कहीं ना कहीं से ये जो शुक्र और बुध का स्थिति है, अनैतिक संबंध भी यहाँ बिल्डअप करता है। इस महीना भाग्य का सपोर्ट का बात करें, जनवरी का महीना भाग्येश अपने से एक घर आगे और राहु उसमें है, इस क्षेत्र में तो अच्छा है, लेकिन धोखा का संभावना और चोर उचक्का का भी संभावना दिखाई दे रहा है। कर्म क्षेत्र में ओवरलोड होना कर्क राशि के लिए ये महीना सबसे ज्यादा परेशानी का कारण हो सकता है। लाभ और इन्वेस्टमेंट का बात करें कर्क राशि के लिए, दोनों परिस्थिति बढ़िया है, इसमें कोई चिंतनीय विषय नहीं है। आप लॉन्ग टर्म भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ धन बचा के चलें, क्योंकि आने वाला समय में कुछ और फिल्म देखने वाले हैं। और जनवरी महीना कर्क राशि के लिए ये शुरुआती स्थिति रहेगा इस प्रकार के इफेक्ट और इम्पैक्ट पड़ने के लिए। तो जनवरी का महीना कर्क राशि के लिए 50-50 फल देने वाला रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।